वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। अगले 14 दिन कैसे गुजरे मुझे याद नहीं है, याद है तो सिर्फ एक अजियत भरा लम्हा जब मैंने नीम बेहोशी की हालत में अगस्त की गर्मी से तपते हुए फर्श पर रेंगते हुए कमरे के कोने में लगे वाटर डिस्पेंसर तक पहुंचने की कोशिश की थी। 2 हफ्ते तक मैं जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और एक ही जुमला बार बार दोहराती रही, मुझे जीना होगा, मुझे जीना होगा, मुझे जीना ही होगा। मौजज़ात होते हैं, यकीनन होते हैं, और मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूँ। 2 हफ्ते बाद मेरा बुखार खुद ब खुद उतरने लगा और 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैं बिल्कुल सेहत याब हो गई। जुल्म व सितम का ये सिलसिला अगले 5 साल तक जारी रहा। जब जंगे अजीम दोम का इख्तिताम हुआ तो इस कैद हयात बंदोगम से हमें रूसी जवानों ने बाजियाब करवाया। उस वक्त हम बेयारो मददगार थे, न सर पर छत थी, न खाने को रोटी और न तन ढकने को चादर। उस वक्त हुकूमत फ्रांस ने हमें सहारा दिया और हम पनाह गुजीनों को इस काबिल बनाया कि हम इस सदमे से बाहर निकल कर फिर से जिंदगी की तरफ लौट सकें। इस हादसे को गुजरे कई साल हो चुके थे। आज मेरियम अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। हम उस जहन्नम से आज़ाद तो हो चुके थे लेकिन प्रोजेक्ट मैंगला ट्विंस के असरात ने किसी बला की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उन इंजेक्शंस की वजह से मेरियम गुर्दों की एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गई थी। हमने हमारी फाइल्स ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर आउशविट्स में बनाए हमारे रिकॉर्ड्स जलकर खाक हो चुके थे, इसलिए डॉक्टर्स कभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि मेरियम को आखिर क्या हुआ था। 1987 में उसकी दोनों किडनीज ने जवाब दे दिया। मेरियम की जान बचाने का बस अब एक ही रास्ता था। मेरे पास 2 गुर्दे थे और बहन सिर्फ एक, इसलिए फैसला लेना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद मेरियम को कैंसर हो गया। वो आखिरी दम तक बहुत बहादुरी से लड़ी मगर जिंदगी की धूप छाँव ने उसे कमज़ोर कर दिया था। 1993 में वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। कुछ माह बाद मुझे बोस्टन में मुकीम एक प्रोफेसर का फ़ोन आया। 1992 में मैंने और मेरियम ने मैंगला ट्विंस पर मबनी एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू दिया था। बका की जंग और हम पे हुए मजालिम की दास्तान उस डॉक्यूमेंट्री में सुनकर प्रोफेसर साहब बहुत मुतासर हुए थे। उन्होंने दौरान गुफ्तगू मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और साथ एक दरख्वास्त भी की। उस डॉक्यूमेंट्री में हमारे अलावा एक नाजी डॉक्टर ने भी इंटरव्यू दिया था जो जंगे अजीम दोम के दौरान पोलैंड में कायम करदा आउशविट्स नामी कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप में मौजूद था और वहां होने वाली घिनौनी कार्रवाइयों में शामिल था। प्रोफेसर साहब चाहते थे कि मैं उस डॉक्टर से राबता करूँ और उसके हमरा उनसे मिलने बॉस्टन आऊँ। मैंने उस डॉक्टर का पता मालूम किया और उस तक प्रोफेसर साहब का पैगाम पहुंचाया। उसने प्रोफेसर साहब से मिलने से तो साफ इनकार कर दिया मगर वो मुझसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। एक तरफ मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती थी लेकिन दूसरी तरफ कुछ उलझी कड़ियाँ थीं
जिन्हें सुलझाना भी चाहती थी। मैं 1945 से एक अंधेरी गुफा में अपने दिल पर एक बोझ लिए भटक रही थी। मेरियम के जाने के बाद मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरा माजी तारीख, हाल मायूस और आने वाला मुस्तकबिल बहुत धुंधला था। लिहाजा एक आखिरी कोशिश करने के लिए मैंने अपना सामान बांधा और डॉक्टर मूंच से मिलने जर्मनी रवाना हो गई। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।